हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम शिल्पी द्विवेदी है और मैं सबका वेलकम करती हूँ। आज की वीडियो जो है गाइस, ये आज की बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आज डिस्कस करने वाले हैं 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स को। ओके, सो ये जो 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स के फॉर्म में आज जो मैं आपसे डिस्कस करूंगी, ये है इंग्लिश पैडागॉजी के। इंग्लिश पैडागॉजी में जो भी प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चंस आए हुए हैं, उसी के वन लाइनर्स हैं ये, जिनको हम फटाफट से 40 वन लाइनर्स को देखेंगे, ताकि एक आपकी रिवीजन हो। और बहुत सारे क्वेश्चन चांसेस ये भी हैं कि आपके इन 40 वन लाइनर्स से बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएं और बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में दोबारा भी आ सकते हैं। सो जरूर वीडियो पूरी देखिएगा, आपको कहीं ना कहीं हेल्प होगी, और जरूर मुझे सपोर्ट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। सो स्टार्ट करती हूँ मैं, और इसके अलावा आप मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर फॉलो कर सकते हैं, मैं वहां भी टीच करती हूं, तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप, जिसको भी करना है आपको। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को ज्यादा देर ना करते हुए। तो 40 जो है वन लाइनर देखेंगे, और ये पार्ट वन है, ठीक है। ये जो इंग्लिश का मैं लेके आई हूँ, ये पार्ट वन है। इसके अलावा मैं पार्ट 2, 3, 4 भी लेकर आऊंगी। मैं ट्राई करूंगी कि सभी चीजें मैं सीटेट के रिगार्डिंग क्लियर कर दूं, जो भी पैडागॉजी में पूछी जाती है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्यादा देर ना करते हुए, पहले अपने वन लाइनर से, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सारे ही वन लाइनर जो है ये प्रीवियस ईयर आ चुके हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो कि आपको लगे कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, सारे ही इंपॉर्टेंट है। पहला है, देयर आर 44 साउंड्स इन इंग्लिश, ठीक है, ये आपको याद रखना है। कितने हैं साउंड्स टोटल इंग्लिश में? 44। देयर आर 20 वॉवल्स एंड 24 कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश। 44 टोटल है, 20 वॉवल्स हैं और 24 क्या है? कॉन्सोनेंट्स इंग्लिश में होते हैं। तो ये आपको तीनों ही चीजें याद रखनी है। अगला देखते हैं, पॉइंट नंबर 3 है, द कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर वॉज गिवन बाय। जो ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर है वो किसने दिया था? नॉम चॉम्स्की ने। इन्होंने LAD भी दिया था, याद रखिएगा, ठीक है। सो ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर एंड लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस वॉज गिवन बाय नॉम चॉम्स्की। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, टेल क्वेश्चंस आल्सो रेफर्स टू। भाई जो टेल क्वेश्चंस होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं हम क्वेश्चन टैग। आपने देखा होगा पीछे, जैसे डोंट यू या डजंट शी, इस तरह से इजंट इट, इस तरह से जो क्वेश्चंस होते हैं उनको टेल क्वेश्चन कहा जाता है और उन्हें क्वेश्चन टैग भी कहा जाता है, ठीक है। अगला आता है, रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ अ चाइल्ड्स प्रोग्रेस दैट अ टीचर कीप्स ऑन अ डे टू डे बेसिस इज कॉल्ड। ऐसा रिटन डिस्क्रिप्शन जिसे टीचर रखता है डे टू डे बेसिस पे बच्चों का, बच्चों के प्रोग्रेस को वहां पे देखता है और उनके एक तरह से बिहेवियरल जो इनका आस्पेक्ट है, पर्सनैलिटी का आस्पेक्ट है, उसको टीचर जो है लिखता है बिहेवियरल, तो वो क्या होगा? हमारा एनेक्डोटल रिकॉर्ड होगा, ठीक है। कई बार यहाँ पे ना कंफ्यूजन होती है, कई बार आपको लगता है कि पोर्टफोलियो होगा, लेकिन पोर्टफोलियो जो होता है वो रिटन नहीं होता है, ठीक है गाइस। पोर्टफोलियो जो है वो आपका एक जो है रिकॉर्ड है, जो आपका जो पूरे साल जो आप एक रिकॉर्ड रखते हैं बच्चे का, प्रोग्रेसिव जो होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, पिक्चर कंपोजिशन इज इफेक्टिव टू प्रमोट। पिक्चर कंपोजिशन जो है वो किस चीज को प्रमोट करता है इफेक्टिवली? सो वो करता है स्पीकिंग स्किल्स को, ठीक है। इनिशियली जब बच्चे आते हैं प्राइमरी लेवल पे, तो टीचर क्या करता है? पिक्चर को दिखाता है, ताकि बच्चे पिक्चर को देख करके कहानी को या किसी भी स्टोरी को बोले। सो स्पीकिंग स्किल्स को डेवलप करने में पिक्चर कंपोजिशन इफेक्टिव है, ओके। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है, पॉइंट नंबर 7, जैसे कि हम देख रहे हैं, व्हाइल राइटिंग वन ऑफ द कोर्सिव डिवाइस इज यूज्ड। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे डिवाइस होगा VICE, ठीक है। व्हाइल राइटिंग वन ऑफ द कोर्सिव डिवाइस, भाई जो राइटिंग है उसमें कोर्सिव डिवाइस को यूज किया जाता है, जिसे हम एलिप्सिस कहते हैं। एलिप्सिस क्या होता है? व्हाइल राइटिंग एलिप्सिस इज अ सिमेंटिक लिंकर। याद रखिएगा, कोर्सिव डिवाइस जो है, जो हम लिखते हैं, लिखते समय यूज करते हैं एलिप्सिस को। एलिप्सिस क्या होते हैं? भाई जो डॉट 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 होते हैं, आपने देखा होगा लिखते समय कई बार बीच में डॉट डॉट डॉट, तीन डॉट जो आते हैं, थ्री डॉट्स, उसी को हम क्या कहते हैं? एलिप्सिस कहते हैं, जो कि व्हाइल राइटिंग में हम इसको यूज करते हैं, जो कि एक सिमेंटिक लिंकर होता है। सिमेंटिक लिंकर मतलब कि वर्ड्स को कनेक्ट करता है ये एक सेंटेंस में, ठीक है, याद रखना है इसको। अगला देखते हैं, 9 पॉइंट है, अ प्राइमरी टीचर शुड इंट्रोड्यूस रीडिंग थ्रू। प्राइमरी टीचर को इंट्रोड्यूस करना चाहिए रीडिंग,
किसके द्वारा करना चाहिए, तो वो करना चाहिए पिक्चर बुक्स से। यानी कि जो पिक्चर बुक्स होती हैं वो हेल्प करती हैं टीचर टीचर को या बच्चे के रीडिंग स्किल्स को डेवलप करने में इनिशियली। ठीक है, तो पिक्चर बुक जो है वो याद रखिएगा। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 10 है, इंटेंसिव रीडिंग स्टैंड्स फॉर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटेंसिव रीडिंग जो है वो क्या होता है, रीडिंग द टेक्स्ट इन पार्ट फॉर डिटेल। जब आप डिटेल में कोई चीज पढ़ रहे हो, ठीक है, डिटेल में जब आप रीडिंग कर रहे हो, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को आप देख रहे हो, वो आप कौन सी रीडिंग है, इंटेंसिव है। अगला आता है 11, स्कैनिंग एंड स्किमिंग आर स्ट्रेटजीज फॉर रीडिंग। स्कैनिंग और स्किमिंग क्या है स्ट्रेटजी रीडिंग की। स्कैनिंग जिसमें आप ओवरऑल एक जनरल आइडिया ले रहे हैं, या स्कैनिंग में आप पर्टिकुलर चीज देखते हो, ठीक है, स्कैनिंग में आप पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट कर रहे हो। लेकिन स्कीमिंग में क्या होता है, आप स्कीमिंग में ओवरऑल एक जिस्ट निकालते हो, ओवरऑल एक जनरल आइडिया आप लेते हो, ठीक है। तो स्कैनिंग एंड स्कीमिंग आर स्ट्रेटजीज फॉर रीडिंग स्किल। अगला देखते हैं 12 आता है, एक्सटेंसिव रीडिंग इज। अब जैसे मैंने अभी इंटेंसिव बताया, जब आप कोई डिटेल में कोई चीज पढ़ रहे हैं, एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होता है, इसका अलग होता है। एक्सटेंसिव रीडिंग जो है वो होता है रीडिंग द टेक्स्ट फॉर प्लेजर। जब आप प्लेजर के लिए कोई चीज पढ़ रहे हैं, जैसे नॉवल पढ़ लिया आपने, कोई मैगजीन पढ़ ली, तो वो क्या है, आपका एक्सटेंसिव रीडिंग है। ओके, अगला आता है क्वेश्चन नंबर 13, डिप्थोंग्स आर ऑल्सो नोन एज। डिप्थोंग्स जो है उन्हें हम और क्या कहते हैं, So, ये होते हैं हमारे ग्लाइड वॉवल्स एंड डबल वॉवल साउंड्स। याद रखिएगा, जो डबल वॉवल साउंड्स हैं या जिन्हें हम ग्लाइड वॉवल्स भी कहते हैं, वो होते हैं डिप्थोंग्स। याद रखना है आपको इतना। अगला आता है TBLT इन सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग इज। सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग में TBLT क्या है, इसकी फुल फॉर्म बतानी है, तो इसका फुल फॉर्म है हमारा टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग। ठीक है, अगला देखते हैं, इलेक्टिज्म इन लैंग्वेज टीचिंग रेफर्स टू। इलेक्टिज्म क्या है लैंग्वेज टीचिंग में, सो इलेक्टिज्म का मतलब होता है एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज फॉर वेरियस मेथड्स ऑफ टीचिंग। यानी कि जब आप इंग्लिश लैंग्वेज को टीच कर रहे हैं, तो वहां क्या होता है, आप बहुत सारे वेरियस अप्रोचेस, वेरियस मेथड्स, वेरियस आप टेक्निक्स, इन सब का यूज करते हो। आप क्या कर रहे हो, बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग स्ट्रेटजीज को, मेथड्स को, अप्रोचेस को, वहां पे आप क्या करते हैं, आपस में इंटीग्रेटेड मैनर में आप उन्हें सिखाते हैं एप्रोप्रिएट नीड के अकॉर्डिंग बच्चे की। तो वो क्या है हमारा इंग्लिश में, इलेक्टिज्म। याद रखना है कि क्या है इलेक्टिज्म, इलेक्टिज्म इन लैंग्वेज टीचिंग रेफर्स टू एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज फ्रॉम वेरियस मेथड्स ऑफ टीचिंग। इतना याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन अब 16 पे आते हैं, 16 है, ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक इज यूजफुल फॉर। भाई जो ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक है वो किसमें यूजफुल है, सो ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक यूजफुल होता है हेल्पिंग स्टूडेंट्स इन फॉर्मिंग न्यू सेंटेंसेस। बेसिकली राइटिंग में जब बच्चा सेंटेंस को फॉर्म कर रहा है, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी है, ग्रुप टेक्निक है, जहां पर टीचर और बच्चे आपस में आइडियाज को प्रेजेंट, बच्चे क्या करते हैं बेसिकली आइडियाज को प्रेजेंट करते हैं, फिर उनके आइडियाज को इवेलुएट किया जाता है और उसके बाद लिखा जाता है। तो ये जो बेसिकली ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक है, ग्रुप टेक्निक है, जो कि एक बच्चों को फॉर्म करने में सेंटेंसेस को यूज कर किया जाता है एज अ टेक्निक। ओके, एंड इट इज अ ग्रुप टेक्निक, ठीक है, याद रखिएगा। अगला आता है 17 पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू NCF 2005 इंग्लिश इज अ डैश लैंग्वेज इन इंडिया। अकॉर्डिंग टू NCF 2005 इंग्लिश इंडिया में क्या है, एज अ सेकेंड लैंग्वेज माना जाता है। याद रखिएगा, सेकेंड लैंग्वेज है। अगर यहाँ पे आया कि अकॉर्डिंग टू NCF इंग्लिश इज डैश लैंग्वेज इन मल्टीलिंगुअल इंडिया, या मल्टीलिंगुअल कंट्री, या मल्टीलिंगुअल पर्सपेक्टिव पूछेगा, तब आप क्या लगाएंगे, ग्लोबल लगाएंगे, ठीक है। अगर आपसे मल्टीलिंगुइज्म में पूछ रहा है तो ग्लोबल आएगा, अगर आपसे इंडियन के पर्सपेक्टिव में पूछ रहा है तो आप सेकंड लगाएंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 आता है, द गैदरिंग स्किल व्हाइल रीडिंग इज। भाई गैदरिंग स्किल पढ़ते समय कौन सी हमारी होती है, तो वो होती है नोट मेकिंग। दो तरह की गैदरिंग स्किल्स होती है, याद रखिएगा, दो तरह की गैदरिंग स्किल्स है, नोट मेकिंग एंड नोट टेकिंग। अगर आप किसी का लेक्चर सुन रहे हैं, लिसनिंग, वाइल लिसनिंग अगर आप नोट बना रहे हैं, या किसी का आपने सुना और आप उसको लिख रहे हो, वो आपका नोट टेकिंग होता है, जैसे कि लेक्चर में। और अगर आप रीडिंग कर रहे हैं, खुद से पढ़ रहे हैं, खुद के सेल्फ कंटेन नोट आप बना रहे हैं, वो आपका नोट मेकिंग होता है। तो दो तरह की गैदरिंग स्किल होती है, वाइल रीडिंग पूछेगा तो नोट मेकिंग लगाएंगे, और वाइल लिसनिंग पूछेगा तब आप नोट टेकिंग लगाएंगे, याद रखिएगा।
अगला देखते हैं 19 नंबर का पॉइंट आता है, अ गुड पैराग्राफ राइटिंग इन इंग्लिश इन्वॉल्व्स। एक अच्छे पैराग्राफ राइटिंग जब इंग्लिश की होती है तो उसमें क्या चीजें इन्वॉल्व होंगी, एक अच्छे पैराग्राफ में क्या चीजें आपको लगता है होना चाहिए, तो उसमें होना चाहिए आइडियाज। आइडियाज जरूरी है, उसका प्रेजेंटेशन जरूरी है, एंड कोहेरेंस जरूरी है। मतलब कि जो बच्चे ने लिखा है, जो आपने लिखा है, उसका एक आइडिया आपका होना चाहिए, एक कोहेरेंस होना चाहिए। कोहेरेंस का मतलब है कि आपने जो पहली लाइन में लिखा है और जो आप अगली लाइन में लिख रहे हैं, या पैराग्राफ जो आप लिख रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं एक कोहेरेंस होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 आता है, अंडर विच एक्टिविटी डू रिकॉग्नाइजिंग साउंड्स एंड डिडक्टिंग मीनिंग्स फ्रॉम देम कम। यानी कि कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जहां पे आप साउंड्स को रिकॉग्नाइज करते हैं एंड आप मीनिंग को वहां से फाइंड आउट करते हैं। तो मीनिंग को फाइंड आउट करना, साउंड्स को पहचानना आता है लिसनिंग में। ठीक है, आप सुनते हैं तो सबसे पहले आप साउंड्स को रिकॉग्नाइज करते हो, ठीक है, उसके बाद आप मीनिंग को समझते हो, तो लिसनिंग स्किल्स हो जाएगा। अगला देखते हैं, 21 नंबर का पॉइंट आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज एबिलिटी टू। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो कैसी एबिलिटी है? सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज अ एबिलिटी टू कंस्ट्रक्ट द मीनिंग बाय इंटरैक्टिंग विद द टेक्स्ट। क्या है, मीनिंग को कंस्ट्रक्ट करना ज्यादा जरूरी है। आपको चार ऑप्शन दे दिया जाएगा जिसमें से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का बेस्ट मीनिंग आपको बताना होगा। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का बेस्ट मीनिंग क्या है कि जब आप मीनिंग को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, आपने मीनिंग मेकिंग किया, मीनिंग मेकिंग करना, मीनिंग को निकालना और इन्फरिंग करना आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पार्ट में आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 आता है, इंटरैक्टिव लिसनिंग मीन्स लिसनिंग। भाई जो इंटरैक्टिव लिसनिंग होती है वो कैसी लिसनिंग होती है? ठीक है, तो इंटरैक्टिव लिसनिंग मीन्स लिसनिंग केयरफुली टू व्हाट इज सेड एंड रिस्पोंडिंग। अगर आप किसी की बात को सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं और उसके बाद आप उसको रिस्पॉन्स कर रहे हैं, सो वो एक तरह का इंटरैक्टिव लिसनिंग होगा। अगर यहाँ पर रिस्पॉन्डिंग नहीं होता, अगर यहाँ पर रिस्पॉन्डिंग नहीं होता, आप केयरफुली नहीं सुन रहे हैं, आप फेक सुन रहे हैं किसी की बातों को, तो वो एक तरह का पैसिव लिसनिंग होता है। सो गाइस, बहुत तरह के लिसनिंग है, लिसनिंग के टाइप बहुत सारे हैं, क्रिटिकल लिसनिंग है, एप्रिशिएशन लिसनिंग है। मैंने कल की वीडियो में भी बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं, मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं, अगर आपको वीडियो देखनी है तो जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहां से आप सारे ही क्वेश्चंस देख सकते हैं। ओके, चलिए अगला देखते हैं, 40 करने हैं हमको, ठीक है ना। सो 23 नंबर पॉइंट पे आ चुके हैं, 23 नंबर का पॉइंट आता है, टू हेल्प द स्टूडेंट्स ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक टीचर विल यूज। भाई स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, एक मिनट। अगर बच्चों को स्पेलिंग मिस्टेक की प्रॉब्लम से दूर करना है, उनको इस चीज का वो करना है, तो क्या होना चाहिए? डिक्टेशन एज अ टीचिंग स्ट्रैटेजी। तो आपको इसमें याद क्या रखना है, आपको ये याद रखना है कि जो डिक्टेशन होता है वो बच्चों की स्पेलिंग एरर्स को कम करने का सबसे अच्छा एक इफेक्टिव वे होता है। ठीक है, 24 आता है, पोएट्री रेसिटेशन हेल्प्स लर्नर्स टू। पोएट्री रेसिटेशन जो होता है वो लर्नर्स को हेल्प करता है प्रॉपर इंटोनेशन और स्ट्रेस को समझना। मतलब कि इंटोनेशन का मतलब क्या है, उतार चढ़ाव आना। जब पोएट्री बच्चे करते हैं तो क्या होता है, राइज एंड फॉल आता है टोन में। ठीक है, तो पोएट्री जो है वो हेल्प करता है बच्चों को प्रॉपर स्ट्रेस और इंटोनेशन को समझने में। ओके गाइस, अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 आता है, अ रिटोरिकल क्वेश्चन इज आस्क्ड। रिटोरिकल क्वेश्चन जो होता है वो पूछा जाता है, क्यों पूछा जाता है? ठीक है, रिटोरिकल क्वेश्चन बेसिकली होता क्या है, आपको ये बताना है। ठीक है, सो अ रिटोरिकल क्वेश्चन इज आस्क्ड For the sake of effect, with no answer needed. ठीक है, rhetorical question वो question होता है जो पूछा तो जाता है लेकिन उसके लिए किसी answer की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने कोई question पूछा, जैसे are you mad, हमने पूछा are you mad, या इस तरह से हम लोग पूछ लें are you crazy, इस तरह के question बहुत सारे question होते हैं जो हम ऐसे ही normally पूछ लेते हैं, लेकिन उसे हम उसका answer नहीं चाहते हैं। हमने पूछा तो लेकिन हम सच में नहीं जानना चाहते उसका आंसर। सो रिटोरिकल क्वेश्चन किस लिए पूछा जाता है, फॉर द सेक ऑफ इफेक्ट विद नो आंसर नीडेड। ओके, अगला आता है, द ओल्डेस्ट मेथड टू टीच लैंग्वेज। लैंग्वेज को टीच करने का, इंग्लिश को टीच करने का सबसे पुराना मेथड कौन सा है? सो वो है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ठीक है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या है, ओल्डेस्ट मेथड है टीच करने का।
ठीक है, आपको ये याद रखना है। और कौन सी लैंग्वेजेस को, क्लासिकल लैंग्वेजेस को सिखाने के लिए यूज किया गया था जीटीएम मेथड, ठीक है। जीटीएम मेथड जो है वो क्लासिकल लैंग्वेजेस को या फॉरेन जो लैंग्वेजेस थी उनको सिखाने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए जो है यूज में लाया गया था। तो याद रखिएगा जीटीएम मेथड के बारे में। अगला आता है डायरेक्ट मेथड इज ऑल्सो नोन एज, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज ये वाला पॉइंट, जो डायरेक्ट मेथड होता है उसे हम और किस नाम से जानते हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट नाम है नेचुरल मेथड, ठीक है। फिर इसे हम एंटी ग्रामेटिकल मेथड भी कहते हैं, फोनेटिक मेथड कहते हैं और साइकोलॉजिकल मेथड कहते हैं। सो ये जितने भी नाम है ये आप बिल्कुल याद रख लीजिए, ठीक है। आपका जो है डायरेक्ट मेथड जो है नेचुरल मेथड, एंटी ग्रामेटिकल, फोनेटिक मेथड और साइकोलॉजिकल मेथड, ठीक है, याद रखना है। अगला आता है आर्मी मेथड इज ऑल्सो नोन एज, भाई जो आर्मी मेथड है इसे हम और क्या कहते हैं, तो इसे हम ऑडियो लिंगुअल मेथड कहते हैं। ऑडियो लिंगुअल मेथड जो है वो बिहेवियरिज्म से, जो स्किनर की थ्योरी थी उससे रिलेटेड है, बिहेवियरिज्म पे बेस्ड ये मेथड है ऑडियो लिंगुअल, जिसमें बच्चा जो है वो इमिटेशन से ज्यादा ड्रिल से ज्यादा सीखता है, और इसे हम आर्मी मेथड भी कहते हैं, ठीक है। अगला आता है डेकोरम इन स्पोकन लैंग्वेज प्रिटेंस टू, भाई जो स्पोकन लैंग्वेज में डेकोरम होता है, डेकोरम का मतलब क्या है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है एप्रोप्रिएट गेस्टर्स, जेस्टर जो है एप्रोप्रिएट उन्हें हम डेकोरम कहते हैं। मतलब कि हाव भाव क्या है, अगर कोई इंसान कुछ बोल रहा है बोलते समय स्पीकिंग में, तो उसके जो एक्सप्रेशन हैं, जो उसके गेस्टर्स होते हैं उन्हें हम डेकोरम कहते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। थर्टी पॉइंट आता है इन लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज मल्टीलिंग्विज्म इज, जब भी एक नई लैंग्वेज को आप सीखते हो तो मल्टीलिंग्विज्म कैसे कार्य करता है, कैसे काम करता है, वो एज अ आप उसको क्या मानते हो, तो उसे हम मानते हैं एज एन एसेट और रिसोर्स। मल्टीलिंग्विज्म क्या है, एक तरह का रिसोर्स है। कई बार यहाँ से सीटेट में क्वेश्चन आता है, हमेशा घूम फिर के आपसे इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मल्टीलिंग्विज्म क्या है, एक बर्डन नहीं है, एक क्या है, रिसोर्स है, ठीक है। सो ये थे 30 पॉइंट, अब 10 पॉइंट और हो गए, वो भी देखते हैं फटाफट से। 31st पॉइंट आता है हमारा, लर्निंग अ लैंग्वेज इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, दीज प्रोसेसेस इन्वॉल्व। भाई जो आप लर्न करते हो लैंग्वेज को, तो उसमें काफी सारे प्रोसेस होते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग स्किल्स है, तो ये कौन से एस्पेक्ट को दिखाते हैं, तो ये दो तरह के एस्पेक्ट को दिखाते हैं, एक होता है लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट और एक होता है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। क्योंकि क्यों दिखाया जाता है, क्योंकि देखो जो स्किल्स है वो आपका क्या है, लैंग्वेज, तो लिंग्विस्टिक हो गया, और साइकोलॉजिकल मतलब वो कब लिसनिंग करेगा, कब स्पीकिंग करेगा, रीडिंग राइटिंग कब उसको सिखाया जाएगा, तो ये भी साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है। सो दोनों ही एस्पेक्ट से रिलेटेड ये है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लिंग्विस्टिक से नहीं है। अगला देखते हैं 32 पॉइंट है, लैंग्वेज स्किल्स शुड बी टॉट, लैंग्वेज स्किल्स जो है हमें कैसे पढ़ाया जाना चाहिए। सो हमेशा याद रखिएगा लैंग्वेज स्किल्स को हमेशा हमें होल और इंटीग्रेटेड मैनर में सिखाया जाना चाहिए। होल अप्रोच या इंटीग्रेटेड अप्रोच से हमें, इंटीग्रेटेड का मतलब है कि मिला के पढ़ाना चाहिए, हमें एक साथ पढ़ाना चाहिए, अलग अलग आइसोलेशन में नहीं पढ़ाना चाहिए, ओके। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 आता है, द एक्विजिशन ऑफ अ लैंग्वेज इज द, जो एक्विजिशन है लैंग्वेज का वो क्या है, तो वो है हमारा सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस प्रोसेस ऑफ लर्निंग। लर्निंग का सबकॉन्शियस प्रोसेस होता है एक्विजिशन, ठीक है, याद रखिएगा। लर्निंग जो है आपका जो लैंग्वेज है, अगर एक्विजिशन पूछेगा तो आप सबकॉन्शियस लगाएंगे, अगर आपसे लर्निंग पूछा जाएगा कि आप भाई लैंग्वेज को लर्न कर रहे हो या सेकेंड लैंग्वेज को लर्न कर रहे हो, तो उसमें आपका क्या आ जाएगा, कॉन्शियस आ जाएगा, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अगला आता है 34th पॉइंट, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला वॉज रिकमेंडेड बाय, भाई जो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला था, त्री भाषा सूत्र, वो किसने रिकमेंड किया था, तो वो किया था कोठारी कमीशन ने, याद रखिएगा। कोठारी कमीशन 64 to 66 जो कोठारी कमीशन है उन्होंने थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला दिया था, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं टू लैंग्वेज फॉर्मूला, तो वो कौन है, वो है मुदालियर कमीशन, ये याद रखिएगा, ठीक है। 35 पॉइंट आता है, द सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी वॉज गिवन बाय, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी जो है वो किसने दी थी, तो वो दिया था स्टीफन क्रैशन ने। इन्होंने 5 हाइपोथेसिस दी, सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी दी, 5 तरह की स्टेजेस बताई इन्होंने, जहां से बहुत क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। सो गाइस जब मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगी, ऐसे ही वन लाइनर्स को जब हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, सो मैं उसमें सारी ही जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैं कवर करने की कोशिश करूंगी, जहां से क्वेश्चन आते हैं, ओके गाइस। सो जो रह गए उनको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।
अगला आता है 36 पॉइंट, यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी। यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी किसने दी? तो वो दी थी नॉर्म चॉम्स्की ने, याद रखिएगा, ठीक है, चॉम्स्की। उसके बाद है अ फोनीम इज, फोनीम क्या है? तो फोनीम है अ सिंगल यूनिट ऑफ अ साउंड। साउंड जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, अगर मैं बोलूं लैंग्वेज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट या सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बोलूं आपका साउंड का, तो वो है फोनीम, ठीक है। फोनीम क्या है? अ सिंगल यूनिट ऑफ साउंड, अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला आता है 38 क्वेश्चन है, अ वर्ड गेट्स इट्स मीनिंग। एक वर्ड जो है उसको मीनिंग कहाँ से मिलता है, या वर्ड का मीनिंग आप कहाँ से फाइंड आउट करते हो? सो ये होगा फ्रॉम द रिलेशन टू इट्स कॉन्टेक्स्ट। किसी भी वर्ड का मीनिंग फाइंड आउट करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप उसके कॉन्टेक्स्ट में, रिलेशन के थ्रू आप उस मीनिंग को समझिए, ओके। तो कॉन्टेक्स्टुअल मीनिंग याद रखिएगा। अगला आता है एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी क्या है? एटिमोलॉजी इज साइंस ऑफ नोइंग द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। एटिमोलॉजी क्या है? स्टडी है, एक साइंस है, जहां पे आप किसी भी वर्ड के ओरिजिन को देखते हो कि भाई ये वर्ड आया कहाँ से है। जैसे कि लैंग्वेज जो वर्ड है, वो आया है आपके लैटिन भाषा के लिंगुआ से, ठीक है। तो ये लैटिन भाषा के लिंगुआ से जो है इंग्लिश आया है लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं। तो ये लिंगुआ जो है वो क्या है? आपका एटिमोलॉजी है, ठीक है, लैटिन भाषा से आया है। तो ये एटिमोलॉजी हो गई कि भाई कोई वर्ड है वो कहाँ से आया है, ठीक है, ये याद रखना है। लास्ट पॉइंट आज को हम देखेंगे, 40th पॉइंट है द राइज एंड फॉल ऑफ टोन। जो हमारी टोन होती है बोलने में, तो उसका जो उतार चढ़ाव है, जो राइज एंड फॉल है, वो क्या होता है? उसे हम कहते हैं इंटोनेशन। आपको चार ऑप्शन दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि भाई जो राइज एंड फॉल इन द टोन होता है उसे हम क्या कहते हैं। सो गाइस, उसे कहते हैं इंटोनेशन। ओके गाइस, सो ये थे कुछ 40 क्वेश्चन। आई होप आपको आज की वीडियो में बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, बहुत मजा आया होगा। और थैंक यू सो मच देखने के लिए इतनी देर तक वीडियो को। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। इसके अलावा अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर कोई भी आपको सजेशन है देना है, कोई आपको कन्फ्यूजन है किसी भी पॉइंट के रिगार्डिंग, आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, जरूर मुझसे आप बताइएगा। ओके, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही था। ओके, थैंक यू।